Hello everyone, today I will explain you about the topic that is hotspots of biodiversity. Now this topic is again from the unit biodiversity and its conservation. In this you should know first of all what is hotspot. Here you should know what is hotspot. So hotspot is an area, remember this. Kisko bol rahe hain hotspot? Ek area ko bol rahe hain. The area which is very rich in biodiversity or extremely rich in biodiversity and have high level of endemism, high level of endemic species. Means एक ऐसा एरिया जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो और वहां पे किस तरह की स्पीसीज हो, एंडेमिक स्पीसीज. तो हियर यू शुड नो व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज मीन्स द स्पीसीज विच आर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली, नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड. सिर्फ उसी जगह पाई जाती हूँ वर्ल्ड में, किसी दूसरी जगह वो स्पीसीज ना पाई जाती हूँ. तो ऐसे एरिया को हमने क्या बोल दिया, हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. नाउ दिस टर्म हॉटस्पॉट वॉज गिवन बाय नॉर्मन मेयर इन 1988 एंड टिल डेट वी हैव 36 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड दीज हॉटस्पॉट्स कवर्स 2.3% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस एरिया. टोटल जो लैंड सरफेस एरिया है अर्थ पे उसका 2.3% हॉटस्पॉट्स ने कवर किया हुआ है ना. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई देयर आर ओनली 36 हॉटस्पॉट्स, क्यों है 36 ही क्यों है. तो हियर वी हैव क्राइटेरियाज है ना. तो रिमेंबर दीज क्राइटेरियाज, वी हैव टू क्राइटेरियाज. फर्स्ट इज द एरिया शुड हैव 0.5% ऑफ द टोटल वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज और 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज. किसी एरिया में 1500, कम से कम 1500 या 1500 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हो और वो कैसी हो, एंडेमिक. एंडेमिक मीन्स विच आर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ इन दिस सेकेंड क्राइटेरिया इज इन दैट एरिया एटलीस्ट 70% ऑफ द लॉस ऑफ प्राइमरी वेजिटेशन और दी हैबिटेट डिग्रेडेशन. उस एरिया में 70% स्पीसीज का लॉस हो चुका हो या वहां का 70% हैबिटेट डिग्रेड हो चुका हो. तो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया फॉर द हॉटस्पॉट. इफ सम एरिया फुलफिल दीज टू पॉइंट्स देन दैट एरिया इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. नाउ वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स है ना. एज आई टोल्ड यू दैट 36 हॉटस्पॉट्स आर देयर. तो हिमालय इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडो बर्मन रीजन, कैरिबियन, ट्रॉपिकल एंडीज एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स आर देयर. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया एंड हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स आर देयर. इन इंडिया देयर आर 4 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट इज हिमालयस, सेकेंड इंडो बर्मन रीजन, थर्ड वेस्टर्न घाट्स एंड फोर्थ इज सुंडालैंड. तो वन बाय वन आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज 4 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ द फर्स्ट इज हिमालय. इंडियन हिमालयन रीजन इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन दिस रीजन नियर अबाउट और मोर देन 30% ऑफ द टेरिस्ट्रियल प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक एंड द नंबर इज अबाउट 35,000. इस एरिया में लगभग 30% एंडेमिक प्लांट स्पीसीज पाई जाती है. एंडेमिक मैंने पहले भी बताया, एंडेमिक मीन्स द स्पीसीज विच आर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. मीन्स के हिमालय में जो 30% स्पीसीज हैं वर्ल्ड की वो हिमालय में पाई जाती है एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन इज मोर देन 70%. तो दैट्स वाई हिमालय इज कंसिडर्ड एज, हिमालयन रीजन इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड इज इंडो बर्मन रीजन. इट इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं एक्सेप्ट आसाम, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट आसाम, ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कम्स अंडर इंडो बर्मन रीजन. बिकॉज इन दिस रीजन द रेनफॉल इज वेरी हाई, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी प्लीजेंट, दैट्स व्हाई बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इज देयर है ना. तो दिस मेक्स इंडो बर्मन रीजन हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो हियर सम पार्ट ऑफ नेपाल
भूटान, वियतनाम, सम पार्ट ऑफ चाइना, कंबोडिया, म्यांमार, ऑल दीज मेक्स इंडो बर्मन रीजन. सो दिस इज द सेकंड हॉट स्पॉट. नाउ द मेन थिंग ऑफ दिस हॉट स्पॉट इज दैट इन दिस रीजन वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेश वॉटर टर्टल स्पीसीज आर देयर. इस रीजन में टर्टल स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, फ्रेश वॉटर टर्टल स्पीसीज, एंड ऑल दीज टर्टल स्पीसीज आर एंडेमिक. अगेन एंडेमिक, रिमेंबर दिस. नाउ द थर्ड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स एंड इन 2012 वेस्टर्न घाट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको ऐड किया गया है 2012 में. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर वेस्टर्न घाट्स. द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू केरला इंक्लूडिंग श्रीलंका. गुजरात से लेके केरला तक का जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, है ना, एंड श्रीलंका, इस पूरे को हमने बोला है वेस्टर्न घाट्स. इन दिस रीजन डिफरेंट एंडेमिक स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर देयर, है ना. यहाँ पे रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है ना. तो दिस इज द थर्ड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फोर्थ वन इज सुंडालैंड. इट इंक्लूड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड फिलीपींस. सो डियर फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन दिस यू शुड रिमेंबर द नंबर इज 36 एंड आउट ऑफ 36 हॉट स्पॉट्स आर इन इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Thank you.